अभी शुरुआत हुई, बहुत ही मुश्किल चढ़ाई है, तुम मगही पर्वत जरूर देखे। क्या नाम है? कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा, एक नंबर मजा आया। मजा आया क्या क्या बोला ऊपर? हम तो वानर मार बेटा मुझे जोर से। चढ़ाई का रास्ता देखे, कुछ ऐसा ही रास्ता है ऊपर जाने के लिए, देखे बहुत ही मुश्किल चढ़ाई है। यहाँ पे सावधान रहे, बंदर आपको मार सकते हैं और सामान छीन सकते हैं। बहुत ही सीधी चढ़ाई है, देखे बहुत ही मुश्किल होगा चलने के लिए। कैसा लगा भाई आपको? दोस्तों ये है जटा मंदिर, जटा मंदिर जहाँ पे शंकर भगवान जी ने यहाँ पे अपनी जो जटाएं थी पक्की थी गंगा माता को यहाँ पे प्रकट करने के लिए। मूल गंगा मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत पे स्थित है। मूल गंगा आपका स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल ट्रैवलर्स द नाइस ग्रुप में। तीर्थ कुंड में स्नान करके हमने दर्शन कर लिए है, अभी यहाँ पे लंच करेंगे, उसके बाद जाएंगे ब्रह्मगिरी पर्वत। ये है होटल ओमकार पैलेस, चलते हैं यहाँ पे लंच करते हैं। मंदिर के सामने ही है होटल ओमकार पैलेस, अगर आपको यहाँ पे लंच करना है तो आप देख सकते हैं मेन्यू। हमने यहाँ पे गुजराती थाली ऑर्डर की है, देख सकते हैं आप जो सब्जी रोटी दाल राइस रायता सब है यहाँ पे। मंदिर के सामने ही है पुलिस चौकी, और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं सामने मंदिर, मंदिर के सामने जो गेट है वो गेट से आपको जाना है दर्शन के लिए एंट्री के लिए, तो आपको यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा और टिकट लेके ही आप यहाँ पे गेट से एंट्री कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड से आप टिकट ले सकते हैं, ये है टिकट काउंटर और आप यहाँ से टिकट लेके जा सकते हैं। और आपको फ्री में दर्शन करने हैं तो उसके लिए अलग से गेट है, और जो गेट है वो जो आप ट्री देख रहे हैं सामने वो ट्री से जाना है राइट साइड में, वहाँ से अंदर जाओगे तो आपको फ्री लाइन मिलेगी। चलते हैं आपको दिखाते हैं फ्री लाइन। तो दोस्तों यहाँ से आपको जाना है राइट में, और दोस्तों हमने दर्शन कर लिए है, आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, अभी हम लोग जाएंगे ब्रह्मगिरी पर्वत। ब्रह्मगिरी पर्वत जाने से पहले आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, आपको अगर दर्शन करने हैं तो पहले तीर्थ कुंड में स्नान करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे दर्शन करने हैं। दर्शन के लिए दो लाइनें, पहले जो आपको दिखाई टिकट लेके लाइन में खड़ा रहना है, और यहाँ पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे फ्री में दर्शन होंगे, लेकिन आप यहाँ पे दर्शन के लिए आएंगे तो आपको कम से कम 5 से 6 घंटा लगेगा। इस तरह लंबा लाइन रहता है पूरा, जिससे आपको टाइम लग सकता है। और यहाँ पे जो है तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव महाराज का मूर्ति स्थापित है, जिन्होंने त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया था। दोस्तों
अभी तक आपने हमारा लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे ताकि आपको ऐसे ही खूबसूरत वीडियो मिलती रहे। तो ये है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, और यहाँ से चलते हैं सीधा तो आएगा तीर्थ कुंड जहाँ पर आपको स्नान करना है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं, उसके बाद चलते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत। दोस्तों ये है कुशाव्रत तीर्थ कुंड जहाँ पे आपको स्नान करना है और उसके बाद दर्शन करने हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर के। यहाँ कुंड में स्नान ज़रूर करें, बहुत ही महात्मा है, कुंभ मेला भी लगता है यहाँ पे। लास्ट ब्लॉग ज़रूर देखें, उस पर पूरा डिटेल आपको बताया है। अभी हमको जाना है ब्रह्मगिरी पर्वत, तो चलते हैं सीधा ब्रह्मगिरी पर्वत। श्री गंगा गोदावरी मंदिर, दोस्तों यहाँ से आप जाओगे लेफ्ट तो ब्रह्मगिरी पर्वत का रास्ता है, तो चलते हैं सीधा यहाँ से लेफ्ट। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर है ब्रह्मगिरी ट्रैक, ब्रह्मगिरी पर्वत का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो लगभग पहुँचने वाले हैं स्टार्टिंग पॉइंट के पास। उससे पहले देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड में तालाब है, बहुत ही खूबसूरत तालाब है, दिखाते हैं आपको। आप व्हीकल में भी यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ तक स्टार्टिंग पॉइंट तक व्हीकल आता है, तो आपको पैदल नहीं आना तो आप व्हीकल में भी आ सकते हैं। देखें बहुत ही खूबसूरत तालाब, फोटो खींच इसका। दोस्तों आपको त्र्यंबकेश्वर में रुकना है तो बहुत सारे होटल और रिसोर्ट है जो आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश के चलते रेनकोट भी नहीं लेके आए, रेनकोट जो है छाता है सब गाड़ी में है। ब्रह्मगिरी पर्वत पे जा रहे हैं और बारिश हो रहा है बहुत, रेनकोट छाता कुछ लेके नहीं आए है नहीं अभी, तो ये 20 रुपये का यहाँ पे प्लास्टिक लिया है हमने और जा रहे हैं ऊपर। ये स्टार्टिंग पॉइंट दिखा दे आपको। ब्रह्मगिरी पर्वत का स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ से लेफ्ट साइड से आपको दिखाते हैं नज़ारा, उससे पहले सामने मैप है, वो मैप दिखाते हैं आपको। ये है मैप। ब्रह्मगिरी पर्वत पे जाने के लिए आपको यहाँ से टिकट लेना रहेगा, उसके बाद आप जा सकते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर। तो टिकट लेते हैं और थोड़ा जानते भी है उनसे ब्रह्मगिरी पर्वत के बारे में। ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए 30 रुपीज़ पर पर्सन, जानते हैं उनसे। हाँ ठीक है, अपना ये 30 रुपीज़ पर पर्सन। और यहाँ पे ब्रह्मगिरी में क्या क्या है तो बताओगे? ब्रह्मगिरी जाने पर आपको है ना गोदावरी का उगम स्थान मिलेगा और शंकर जी ने जट्टा पर फैला ये वो स्थान है, जैसे 4-5 स्पॉट आपको मिलेंगे, वाटरफॉल भी मिलेगा। वाटरफॉल भी है ऊपर, दुर्गा भंडार किला है। और जाने आने में कितना टाइम आएगा? जाने के लिए 2 घंटा लगेगा और आने के लिए 1 से 1.5 घंटा। ओके, मतलब 4 घंटा जाएगा। ठीक है, कब तक बंद हुआ ओपन और क्लोज का मतलब टाइमिंग? 4 बजे तक क्लोज हो जाता है। 4 बजे तक क्लोज होता है और ओपन सुबह मॉर्निंग में? मॉर्निंग में 8 बजे। ओके ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों जैसे आपने सुना सुबह मॉर्निंग में 8 बजे ओपन होता है और 4 बजे ऊपर में क्लोज हो जाता है, तो आपको उसी टाइमिंग में आना है। और यहाँ पे जाने के लिए 2 घंटा मिनिमम लगेगा और आने के लिए 1.5 घंटा, तो उसी के हिसाब से आप टाइम सेट करें। अभी शुरुआत हुई, अब तो शुरुआत है, अभी चलना है, नीचे चले जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। तो
थोड़ा देखो तुम लोग को देखो क्या, तुम चलो सीधा सीधा आराम से। पुलिस में है भाई। तो क्या हुआ? वो डेली प्रैक्टिस करते हो ये लोग, तो तुम्हारा डेली प्रैक्टिस करे तो जो यंग नहीं है चले सकते क्या इतना? पुलिस में वो लोग दौड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं डेली। चलो रख लिख लीजिए तुमको। नहीं हमारी तो मजबूरी भी है धीरे धीरे चलने की, तो एकदम चल ही नहीं पाएंगे। पीछे हो गया यार, ब्रह्मगिरी पर्वत चढ़ते हुए अपने बंदे से बात करते हैं, कैसा लग रहा है? तो भाई जय बोले कैसा लग रहा है भाई ब्रह्मगिरी पर्वत? सांस फूला हुआ लग रहा है, सांस फूला लग रहा है। तरबूज चल रहा है, कैसा लग रहा है? पकने के बाद जैसे थोड़ा बड़ा हो जाता है, सेम ही हालत है। बहुत अच्छा माहौल है। तो यहाँ पे ब्रह्मगिरी पर्वत चढ़ रहे हैं हम लोग। ब्रह्मगिरी पर्वत चढ़ते हुए यहाँ पे दो बंदे भिवंडी महाराष्ट्र से। तो क्या बोलना है आपका? चलते रहो, बहुत अच्छा नज़ारा है इधर का। चलते रहो, ऊपर जाओ, ऊपर जाके नज़ारा बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलेगा। और जो गोदावरी नदी है उसका उद्गम भी देखना, उद्गम स्थान है। और जो शंकर जी ने वहाँ पे जटा पटकी थी वहाँ पे सब मिलेगा, और वाटरफॉल भी बोल रहे हैं, और ऊपर से पूरा जो नज़ारा है त्र्यंबकेश्वर का वो भी दिखने के लिए मिलेगा। ऊपर से बहुत अच्छा सीन दिखता है। आप भी एक बार आना इधर ब्रह्मगिरी पर्वत पे। तो बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो चलते हैं ऊपर, चलो दिखाते हैं आपको सब कुछ। मुक्ता देवी मंदिर, तो ये है मुक्ता देवी मंदिर। जय माता दी। ब्रह्मगिरी पर्वत की चढ़ाई चढ़ते हुए आपको बहुत सारे स्टॉल ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आप रुक सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं, उसके बाद वापस चल सकते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत पे चढ़ते हुए यहाँ पे देखे भक्तजन हर हर महादेव बम बम बोले के नारे लगाते हुए। और देखिए आपको दिखाते हैं कहाँ तक जाना है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं सामने, वहाँ से पूरा ऊपर तक जाना है। तो 50% हम लोग आ गए हैं, और आगे जाना है हमको। अभी यहाँ से सिंगल वे है, आप यहाँ से ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा, एक नंबर मजा आया। मजा आया? हाँ। क्या क्या बोला ऊपर? हम तो वानर मार बेटा मुझे जोर से। ऐसा है क्या? चैनल का नाम क्या? ट्रैवलर्स द नाइस ग्रुप। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। देखिए दोस्तों ब्रह्मगिरी पर्वत पे जाते हुए नीचे नज़ारा देखें आप, बहुत ही खूबसूरत। और ऊपर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। देखें इतना ऊपर तक जाना है। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखें, बहुत ही कठिन चढ़ाई है। दोस्तों कुछ इस तरह से चढ़ाई है, देखते रहे एंड तक। आपको आना है ब्रह्मगिरी पर्वत तो एंड तक जरूर देखे। महादेव।
सामने है बंदर, यहाँ पे आपको बंदर मार सकता है या फिर आपका सामान छीन सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सावधान रहे। रास्ता देखिए आप, ऊपर जाने का रास्ता देखिए, सिंगल वे है। यहाँ की चढ़ाई देखिए, सीधी चढ़ाई है, बिल्कुल सीधी चढ़ाई, बहुत ही संभल के जाना है आपको। ये सुंदर आवी
कैसा लगा भाई आपको? फॉलो हिम सूरज चंडक व्लॉग्स। अभी बाकी है तो, अभी बाकी है भाई बहुत। देखा यहाँ पे ब्रह्मगिरी पर्वत पे चढ़ते हुए आपने देखा रास्ता कितना नैरो था और बंदर भी आपको वहाँ पे रास्ते में मिलते हैं, तो बहुत ही फन है, साथ में एडवेंचर है। और यहाँ पे शंकर जी का जो यहाँ पे गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है वो तो आपको दर्शन के लिए मिलेगा ही, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ज़रूर आया आप यहाँ पे ब्रह्मगिरी पर्वत के पास। तो गाइस है अपने बंदे, उनको एनर्जी की जरूरत है तो यहाँ पे नींबू शरबत पियेंगे। नज़ारा देखे यहाँ से बहुत ही खूबसूरत, और वो जो देख रहे हैं वो है तालाब जो आपको दिखाया था। यहाँ पे ब्रह्मगिरी पर्वत पे चढ़ते हुए आधा हमने क्रॉस कर लिया है, आधा क्रॉस करने के बाद यहाँ पे नींबू पानी पीते हुए तो थोड़ा एनर्जी लेंगे, उसके बाद वापस आपको जाएंगे हम लोग। 20 रुपीज़ ले रहे हैं नींबू पानी के लिए। ब्रह्मगिरी पर्वत यहाँ पे हमने 70% यहाँ पे हमने चढ़ाई कर ली है, और ब्रह्मगिरी पर्वत देखिए पीछे नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, 360 व्यूज़ आपको दिखाते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत पे गौतम ऋषि ने यहाँ पे तपस्या की थी, आराधना की थी शंकर भगवान जी की, और शंकर भगवान जी को यहाँ पे पसंद करके शंकर भगवान जी से आशीर्वाद लिया था, और आशीर्वाद लेके यहाँ पे जो शंकर भगवान जी ने अपनी जटाएँ थी जटाएँ यहाँ पे पटकी थी, और जटा पटकने के बाद गंगा जी प्रकट हुए थे, उनका नाम गोदावरी में गोदावरी नाम रखा है, तो गोदावरी जो नदी है उनका उद्गम स्थान है यहाँ पे, और साथ ही यहाँ पे शंकर भगवान ने जो अपनी जटाएँ पटकी थी वो है, तो वो सब आपको दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, आप यहाँ पे नासिक में ब्रह्मगिरी पर्वत त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास ज़रूर आए, जब भी आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर आते हैं तो नासिक ब्रह्मगिरी पर्वत पे ज़रूर आए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा और एडवेंचर से भरपूर यहाँ पे। यहाँ पे ब्रह्मगिरी पर्वत पे आते हुए यहाँ पे बहुत ही श्रद्धालु है जो त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर पे दर्शन के लिए आते हैं, तो यहाँ पे ब्रह्मगिरी पर्वत पे ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पे कुछ गाइस है बंदे ये भी यहाँ पे दर्शन के लिए आए, और कुछ बोलना है आपको? बस भाई यहाँ पे आओगे तो मोबाइल संभाल के रखना बंदरों से खास करके। हाँ, आपने जैसे देखा रास्ते में बंदर आते हैं, बंदर आपको परेशान कर सकते हैं, तो अपना मोबाइल है, अपना जो पर्स है, अपना जो वॉलेट है, अपना जो कुछ भी सामान है अपने पास है उनको संभाल के रखते, नहीं तो बंदर लेके जाएगा। बस अभी पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन चढ़ाई बहुत ही मुश्किल है। अगर आप आते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत तो देखे ऐसा है कुछ रास्ता। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल ट्रैवलर्स द नाइस ग्रुप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, और बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर दे ताकि आपको ऐसे ही खूबसूरत वीडियो मिलती रहे। नहीं दे रहा है, मेरा ही फोटो लो, मेरा ही फोटो लो।
तो दोस्तों ब्रह्मगिरी पर्वत के टॉप पे आ गए हैं हम लोग, और आपको सामने जो दिख रहा है वो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान। और यहाँ पे यहाँ जो आपको दिख रहा है ये है शंकर भगवान जी। शंकर भगवान जी ने जो अपनी जटा है पट्टी दी वो तो करते हैं दर्शन। ब्रह्मगिरी पर्वत के टॉप के आने के बाद अगर हमको जाना है दर्शन के लिए जहाँ पे गोदावरी जी का उत्तम स्थान है, जहाँ पे शंकर भगवान ने जटा पटकी थी, वहाँ पे जाने के लिए आपको वापस नीचे उतरना रहेगा। और नीचे उतरना भी इतना आसान नहीं है, दिखाते हैं आपको। देखिए कुछ इस तरह से रास्ता है, अगर आपने जरा सी भी गलती की तो आप स्लिप हो सकते हैं, गिर सकते हैं। दोस्तों ये है जटा मंदिर। जटा मंदिर जहाँ पे शंकर भगवान जी ने यहाँ पे अपनी जो जटाएँ थी और जटाएँ यहाँ पे पटकी थी गंगा माता को यहाँ पे प्रकट करने के लिए। जो गौतम ऋषि थे, गौतम ऋषि ने यहाँ पे भगवान की आराधना की थी और भगवान जी को प्रसन्न किया था, तभी शंकर भगवान जी ने यहाँ पे अपनी जटा पटकी थी। तो ये है जटा मंदिर, कहते हैं दर्शन जटा मंदिर। दोस्तों जटा मंदिर में कैमरा मोबाइल अलाउ नहीं था, तो वापस दर्शन करके यहाँ पे आ गए हम लोग। ये है ब्रह्मगिरी पर्वत मंदिर, यहाँ पे आपको दर्शन करना है। अमित भाई लाइन लगे, लाइन लगे। ये है ब्रह्मगिरी मंदिर का मुख्य मंदिर, मुख्य दर्शन करने आप यहाँ पे जरूर आए। और सामने है गोदावरी माता जी का उद्गम स्थान, तो चलते हैं पहले वहाँ पे। मूल गंगा मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत पे स्थित है, और यहाँ पे जो आप ये जो ट्रीज देख रहे हैं, ये ट्रीज में से बूंद बूंद यहाँ पे जो कुंड है वो कुंड में यहाँ पे इकट्ठा होता है पानी, और ये जो पानी है वो पानी वो नीचे अपना जो कुंड है वो कुंड में इकट्ठा होता है, और कुंड में स्नान करने के बाद ही हमको त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने हैं। तो यहाँ पे ज़रूर आए आप मूल गंगा मंदिर दर्शन करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे जो गौतम ऋषि है और अहल्या जी है उनका भी यहाँ पे मूर्ति है, तो उनका भी दर्शन करेंगे। Hello sir.
स्वस्थ प्रेम अभिजय दिवावस अनंत पुण्ये अदातः मदा शांति प्रजम्मे ब्रह्मागिरियों गंगा पूजन गोदान के लिए संकल्प अभिषेक माँ गोदावरी नदी का उद्गम स्थान देखा हमने, यहाँ से शुरू होती है माँ गोदावरी नदी जो माँ गंगा है और नासिक सिटी में बहती है जहाँ पे त्रिवेणी संगम भी होता है। तो ब्रह्मगिरी पर्वत पे जरूर आए और दर्शन करें। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, ब्रह्मगिरी पर्वत का पूरा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज का जो व्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।